न्यूट्रेला फूड तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सगुना। आज की हमारी रेसिपी है बैंगन आलू सोयाबीन की सब्जी। इसको हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इसको बनाने में हम इस्तेमाल करेंगे पंचफोरन मसाले का। तो आइए चलिए जानते हैं कि पहले क्या करना है। एक कढ़ाई में हमें गर्म करना है तेल। तेल में इस्तेमाल करूंगी न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले पंचफोरन मसाला। ये मसाला वैसे तो आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसमें 5 सूखे मसालों का इस्तेमाल होता है और वो है कलौंजी, मेथी, सरसों, जीरा और सौंफ। और ये 5ों मसाले आसानी से सभी के घर में अवेलेबल होते ही हैं। एक बार ये मसाला यहाँ पर भुन जाए, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं प्याज। और प्याज को पहले आप अच्छे से भून के तैयार कर लीजिए। और एक बार प्याज यहाँ पर भून जाए, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर। और इसके साथ ही हम इसके अंदर अब ऐड कर देते हैं सारे मसाले। पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और अब इसके अंदर हम डालेंगे बैंगन। और बैंगन के साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूं आलू का। और अच्छे से इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। आलू और बैंगन की सब्जी काफी घरों में बनती है, खाने में काफी स्वाद भी लगती है और बहुत ही देसी सब्जी है ये। और क्योंकि हमने इसमें डाला है पंचफोरन मसाला, उससे जो इसका स्वाद है वो कुछ अलग ही आएगा। लेकिन आज हम इसको कुक कर रहे हैं न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया चंक्स के साथ। मेरे पास वो यहाँ पर है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी हाई माने जाते हैं, 52% प्रोटीन कंटेंट इनको खाने से आपकी डाइट में शामिल हो जाता है। इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये सब्जी यहाँ बनके तैयार है। चलिए इसको जल्दी से एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। तो अगर आप हैं शौकीन देसी और सिंपल खाने के, तो ये सब्जी आपको जरूर पसंद आएगी। आलू बैंगन की सब्जी को आप सोया के साथ घर में कुक करिएगा, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा खाने में अच्छी लगेगी। तो सिंपल और देसी खाने के शौकीन लोगों को ये सब्जी आलू सोयाबीन बैंगन की सब्जी जरूर पसंद आएगी। घर पे इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए न्यूट्रेला फूड तक को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए।